हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज डिज़ाइन करने वाला है। ठीक है, लॉगिन मतलब साइन अप पेज डिज़ाइन करने वाला है। ठीक है, आप लोग उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे ना तो इसलिए जो लॉगिन पेज भी बन जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक छोटा सा बात और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, वो बात ये है कि मैं जो है ना आज से थोड़ा एकदम स्लोली स्लोली बोलूँगा। ठीक है, मतलब पहले होता तो क्या था, मैं थोड़ा एकदम फास्ट बोल देता था। ठीक है, तो बहुत लोगों को समझने में तकलीफ होता है। अगर फिर भी आपको लगे कि मैं जो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ फिर थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ ना, तो आप जो है यूट्यूब का प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर फास्ट बोल रहा तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, स्लो बोल रहा तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दो बात ये है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। और ठीक है, और आज जो है ना मेरा 100th वीडियो है। ठीक है, ये 100th वीडियो है, तो आप अगर कमेंट्स में जाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई लिख दें तो मुझे बहुत दिल से खुशी होगा। ठीक है, और दूसरा बात ये कि अगर आपको कोई कस्टम वेबसाइट बनवाना है खुद का, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो इस पेज को डिज़ाइन करना चालू करते हैं आज का। तो ये रहा पेज जहाँ पे हम लोग कोडिंग करने वाले हैं, और मैं जो है ना बहुत जल्दी से अपना नेट जो है डिस्कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, नेट डिस्कनेक्ट इसलिए क्योंकि मैं नेट जो है एकदम प्रॉब्लम करते रहता है, मतलब कंप्यूटर हैंग करवा देता है। ठीक है, तो इसको करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ना HTML लिख लेते ताकि हम इंक्लूड कर सके अपना जो फॉन्ट होता है। तो फॉन्ट इंक्लूड करने के लिए सिंपली इस पेज पे कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना सिंपली हम लोग गूगल फॉन्ट लिखते हैं, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे सिंपली पॉपिंस वाला फॉन्ट लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि पॉपिंस के अलावा बहुत सारा फॉन्ट है, आप चूज़ कर लीजिएगा अब यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके। ठीक है, कैसे सबको लेना है वो तो एक ही, सबका जो तरीका ना लेने का एक ही है। ठीक है, बस फॉन्ट का नाम अलग अलग है, फॉन्ट का स्टाइल अलग है। तो यहाँ पे पॉपिंस आ गया मेरे पास, तो पॉपिंस यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और पॉपिंस में ना हम लोग 4-5 को ये करेंगे, मतलब कितना फॉन्ट का वेट होना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँ ना तो यहाँ पे फॉन्ट का वेट थोड़ा बदलते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 800 वाला लूँगा एक। ये 800 वाला जो है ना ये हम लोग ये यहाँ पे लगाएंगे, साइनअप वाला जो टेक्स्ट दिख रहे हैं ना आप लोग इस जगह पे लगाएंगे। ठीक है, और एक नॉर्मल सा कोई टेक्स्ट लेते हैं हम लोग, जिसको कि हम लोग हर जगह यूज़ कर सकें, एक पैराग्राफ में या फिर कई और जगह पे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है ना पहले फॉन्ट को ऐड करने के लिए देखिए लिंक वाला टैग दिया है इन्होंने, मतलब जो कि हम लोग को हेड टैग के अंदर डालना है। ठीक है, तो कॉपी करके सिंपली जाकर इस जगह पे पेस्ट कर दीजिए। और हम लोग को पॉपिंस इंक्लूड करने के लिए ना, मतलब कि ब्राउज़र को पता चले कि हम लोग पॉपिंस यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपली पहले स्टाइल टैग बनाते हैं हम लोग, और सिंपली ना बॉडी लिख के उसमें डाल देते हैं। बॉडी लिखा, और यहाँ पे नीचे उन्होंने जो एक और कोड दे रखा है, छोटा मोटा कोड, तो ये रहा वो कोड है। नीचे जाते हैं थोड़ा, तो ये रहा वो कोड, मैं इसको कॉपी करके सिंपल जाकर बॉडी में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा एम को कॉपी, क्योंकि मेरा एम जो बटन ख़राब है हमेशा से। ठीक है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे यूनिवर्सल ऑपरेटर एम देख स्टार देखे ना, मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग डिफाइन कर देते हैं। मार्जिन 0 होगा, पैडिंग 0 होगा, और बॉक्स साइजिंग जो है ना वो बॉर्डर बॉक्स होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और एक काम करते हैं वो ये कि हम लोग का जो बॉडी है ना एकदम वाइट नहीं रखेंगे, तो देखने में गंदा लगेगा। ठीक है, तो इसका एक बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड BACK बैकग्राउंड फिलहाल के लिए रेड देते हैं। और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ना थोड़ा कलर दूसरा चेंज करते थे कि ठीक है, क्योंकि इतने सारे कलर्स हैं ना, नाम याद रखना मुश्किल है, पर आप गिने चुने कुछ कलर्स अगर याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बैकग्राउंड में क्या कलर होना चाहिए जो कि एकदम स्मूथ लगे, मतलब आँखों में स्ट्रेस ना दे। ठीक है, इस तरीके का अगर आप याद करके रखें तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर ना मैंने बॉर्डर बॉक्स नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जाते हैं, इस रेड पे क्लिक करिए, और यहाँ पे ना एक ब्लू वाला सिलेक्ट करते हैं लोग। ठीक है, अब ब्लू से एकदम लाइट में चल जाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का अगर मैं दूँ तो देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करिए, सिंपल जाके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कलर में। अब यहाँ हम लोग को रिफ्रेश करें तो हम लोग का जो चाहिए था वो मिल गया, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब सेम काम क्या करना है हम लोग, अब हम लोग ना बॉडी में घुसना है, और सिंपल सा बॉडी में एक आप लोग डिप बना दीजिए, तो मैं यहाँ पे डिप ही बना देता हूँ। और डिप में कोई भी एक क्लास रख दीजिए ताकि हम एक्सेस कर सकें उसको, तो मैं बॉडी नाम का एक डिव बना, डिव नाम मतलब बॉडी नाम का एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इसको एक्सेस करेंगे, और इसको देंगे हम लोग एक विड्थ। विड्थ कितना दें, तो विड्थ मैं फिलहाल के लिए देता हूँ 95% का। ठीक है, और इसका जो है एक हाइट देंगे, वो भी होगा 95% का। और यहाँ बार बार मैं इसका एक बैकग्राउंड होगा प्लेन वाइट। ठीक है, और इसका पोजिशन फिलहाल के लिए करेंगे हम लोग पोजिशन एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट मुझे क्यों करना है, क्योंकि मुझे मैं क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए मैं सिंपल सा रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ जो एकदम इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो मुझे चाहिए एकदम सेंटर में हो, एकदम सेंटर में 100% सेंटर, इसलिए क्या करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको टॉप से घिसकाएंगे 50%, लेफ्ट से घिसकाएंगे 50%, और उसको एक ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस 50%,
कॉमा माइनस 50%। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने जो यहाँ पे ना स्पेस दे रखा है, ठीक है, कॉमा के पहले मैंने स्पेस दे रखा है, कॉमा के बाद भी स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग स्पेस देना मत भूलिएगा। देखिए अभी एकदम सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देना, ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना दे, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, मतलब सिर्फ 5 या फिर सिर्फ 10, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं 5 पिक्सल के साथ डाल रहा हूँ। अब देखिए कुछ इस तरीके से एकदम कर्व हो गया हल्का हल्का, आप ध्यान से देखेंगे तो। और एक और काम करेंगे वो ये, इसका जो है ना साइड साइड में थोड़ा अगर मैं बॉक मतलब या जो है ना क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ, देखिए एकदम उठा उठा सा दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गया, तो उसको अगर देना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली जाना ब्राउज़र पर, लिखिए शैडो, ठीक है, CSS शैडो करके लिखिए। मैं यहाँ पे आपको CSS शैडो करके लिखने क्यों बोल रहा हूँ, जब हम लोग कोड भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक नीचे एक वेबसाइट है, ठीक है, getcssscan.com करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं अगर खोलूँ इसको तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है कि शैडो का, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा अगर नीचे जाऊँ, यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है शैडो का। आपको जो शैडो चाहिए ना, जो शैडो पसंद है आपको, उसको कॉपी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 वाला कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि 1 वाला अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, फिलहाल के लिए आँखों में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सिंपली अगर कॉपी करूँ, कॉपी तो देखिए एकदम थोड़ा सा उठा उठा आपको दिखेगा, देखिए हल्का सा उठा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हम लोग को इतना काम हो गया, हम लोग को सिंपली ना इस बॉडी को सिंपल सा जो है ना इसको डिस्प्ले करना है फ्लेक्स। अभी बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों करें, दोस्तों यहाँ जो है ना देखिए, यहाँ पे ये जो है ये आधा है, ये आधा है, ठीक है। ये आधा था क्या है कि साइड बाय साइड है, ठीक है। साइड बाय साइड दिखाने के लिए हम लोग को जो हमेशा फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें तो साइड बाय साइड आ जाएगा, और सेम अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करके ना अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें तो जो ऊपर नीचे आ जाएगा, एकदम समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बॉडी में क्या, बॉडी में आप लोग 2 डिव बनाइए, ठीक है। एक का क्लास दीजिए लेफ्ट, ताकि पता चले कि ये लेफ्ट वाला डिव है, ये राइट वाला डिव है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एक डिव बनाइए क्लास से राइट। अगर लग रहा है आपको कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ ना, तो वीडियो स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी वीडियो ख़त्म भी करना रहता है। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तू इतना लंबा वीडियो टाल देता है, जो कि ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, इसलिए यहाँ पर डॉट लेफ्ट और डॉट राइट को एक्सेस करके यहाँ पे इसका जो फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स कर देते हैं 1। फ्लेक्स 1 करने से क्या होगा कि ये जो ना 50-50% में बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर सपोज करें यहाँ पे 2 ही डिव है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 3 डिव डाल दूँ तो क्या होगा, और तीनों डिव को मैं एक्सेस करके सब में फ्लेक्स डाल दूँ ना, तो क्या होगा, तो 33.33 इस तरीके से लेगा, मतलब सब इक्वली विड्थ लेगा, ठीक है। बस कहने का यही मतलब है। इसका जो हाइट है ना, हाइट कर देते हैं हम लोग 100%। अब ठीक है, इतना हो गया। हम लोग क्या करें, हम लोग सिंपली यहाँ पहले राइट वाले में काम करते हैं, ठीक है। तो राइट वाले में काम करने के लिए सिंपली जाइए राइट में, यहाँ एक डिव बनाइए क्लास फॉर्म करके। तो यहाँ जो है मैं एम को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली जाइए फॉर्म बनाइए, और यहाँ पे फॉर्म में फिलहाल अभी कुछ नहीं करते, ठीक है। पहले फॉर्म को यहाँ पे एक्सेस करके इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं कुछ। तो मैंने बोला कि इसका विड्थ तुम रखो 100%, और हम लोग जो है ना हाइट नहीं देंगे, ठीक है, हाइट बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग इसका। फॉर्म को इसको कर दिए पोजीशन, इसका भी एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करूँगा मैं, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा फ्लेक्स। अभी बोलोगे कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों करें, दोस्तों डिस्प्ले फ्लेक्स का जरूरी नहीं कि हम लोग जो है साइड बाय साइड दिखाने के लिए करें, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर कोई भी डिस्प्ले, अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करें ना, तो उसको यूज़ करके जो है हम लोग किसी भी एलिमेंट को सेंटर में भी ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को 4 तरीके बताए थे जिससे कि हम कोई भी डिव को, कोई भी एलिमेंट को ना सेंटर में ला सकते हैं किसी भी डिव का, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे जाइएगा सर्च करिएगा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा कि हॉरिजेंटली जो सेंटर में आएगा, और यहाँ पे लिखिए अलाइन आइटम सेंटर, ALIGN अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे क्या होगा, ये वर्टिकली सेंटर में आएगा, ठीक है। अभी मैं करूँ तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका मैंने हाइट जो है ना स्पेसिफाई नहीं किया। देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने हाइट स्पेसिफाई नहीं किया। सिंपल जाइए यहाँ पे सिंपल सा लिखिए एक H1, ठीक है। H1 में सिंपल सा आप करिए साइन अप, अपने हिसाब से कोई टेक्स्ट दे सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ, लेकिन साइन अप से पहले मुझे एक इमेज डाल दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे था इमेज, तो एक काम करते हैं यहाँ पे पहले इमेज डाल देते हैं। इमेज डालने के लिए सिंपली लिखिए IMG, और यहाँ ना मैं एक और काम करूँगा ये कि मैंने इसे फ्लेक्स किया है, ठीक है। फ्लेक्स करने के बाद ये तो साइड बाई साइड आएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको लिख वाले दिखाता हूँ, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। तो logo.svg करके मेरे पास एक आइकॉन है, उसे क्लास देते हैं लोगो करके। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा लोगो का साइज छोटा कर लेते हैं, तो देखने में बहुत बड़ा जाएगा। विड्थ रखते हैं 50 पिक्सल का, हाइट रखते हैं 50 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस देने का जरूरत नहीं क्योंकि पहले से वो गोल है मेरे पास जो SVG में, ठीक है। देखिए जो एकदम साइड बाय साइड आ रहा है, ठीक है, साइड बाय साइड हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये देखिए ये इस जगह पर आ गया है,
और यहाँ एक गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये कि मैंने जो ने फॉर्म को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लेक्स टैक्स अलाइन आइटम सेंटर दिया, फिर भी जो है ना एकदम टॉप में चिपका हुआ, जबकि इसको यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए था। इसका रीज़न क्या हो सकता है देख लेते हैं। वेट हाइट एक काम करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड देते हैं पहले। मुझे लगता है कि हाइट जो है ना सही से अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ ये कुछ इस जगह पे आ गया, तो यहाँ तो ये काम कर रहा है। फॉर्म में एक बैकग्राउंड देके देखते हैं, फिलहाल कर रेड देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ इस जगह पे आ रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स 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 कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट हटाऊंगा तो एकदम साइड में चिपक जाएगा, तो ये साइड में भी नहीं चिपक रहा है क्यों। फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, एक काम करते हैं, इसका हाई इसका विड्थ है ना पहले 90% करके थोड़ा चेक वेक कर लेते हैं कि क्यों इरर आ रहा है, क्योंकि डिबग करना बहुत जरूरी होता है, कोई भी अगर इरर आ जाता है तो। ठीक है, तो इसको 90 के, तो ये कुछ इस जगह पे आ गया। ठीक है, अभी इसको करते हैं सिंपल सा फ्लेक्स फिलहाल के लिए हटाते हैं, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, सॉरी फ्लेक्स नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन हटा के यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी देखते हैं वो आता है कि नहीं। तो ये बार बार यहीं पे आकर चिपक जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। फॉर्म का जो है एक मिनट, अगर मैं फॉर्म को भी हाइट 100% दूँ तब तो ये शायद सॉल्व हो जाएगा। हाइट 100%, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं हाइट 100% दिया तो वो जो है सेंटर में है। ठीक है, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, ठीक है, इसकी वजह से नहीं। अभी मैं सिंपल जो इसका बैकग्राउंड हटा के यहाँ पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन फिर से कॉलम कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अभी रिफ्रेश करूँ तो एकदम देखिए ऊपर नीचे वो आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये जो एकदम चिपका हुआ है तो ठीक है, आप थोड़ा मार्जिन दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइकन का साइज़ अगर आपको छोटा लगे तो आप बड़ा कर लीजिएगा, मैं वो सब नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जाके एक पैराग्राफ टैग बना के उसमें एक कोई टेक्स्ट डाल देते हैं, क्लास डालते हैं पी नाम से, और यहाँ पे सिंपल सा ना यही वाला टेक्स्ट कॉपी करके डाल देते हैं ताकि मुझे टेक्स्ट लिखना ना पड़े। यहाँ का सिंपल सा जो है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई चेंजेस करने का जरूरत है, क्योंकि ऐसा सही लग रहा है। अभी एक काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग नीचे डिव फॉर्म के अंदर ही, लेकिन ठीक है पी के नीचे जाएंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक डिव बनाएंगे और इस डिव को एक नाम रखते हैं हम लोग, क्लास कौन सा क्लास रखें, फ्लेक्स इट करके। ठीक है, क्योंकि हम इसको एक नाम रख रहे हैं फ्लेक्स इट, फ्लेक्स इट इसलिए क्योंकि हम लोग इसको ना फ्लेक्स करना चाहेंगे। तो सिंपल से जाते हैं यहाँ पे फ्लेक्स इट को पहले एक्सेस करके ना इसको फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स इट, और डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, ताकि डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि मेरे जो आइटम्स हैं ना एकदम साइड बाय साइड आए, क्योंकि उसमें मुझको दो चीज़ें रखना है। पहले वाले में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मैंने नेम और सर नेम रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको फ्लेक्स किया, फ्लेक्स के बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करिए, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करने से उन दोनों के बीच में स्पेस होगा। अब मैं सिंपली करूँगा इसके अंदर दो डिव बनाऊंगा, दो डिव, तो एक डिव होगा ये इनपुट नाम से, और इनपुट को भी हम लोग सेम टू सेम जो फ्लेक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को एक आइकॉन रखना है और एक इनपुट टाइप रख इनपुट फील्ड रखना है। ठीक है, सेम इसमें भी करेंगे डिव, उसका क्लास रखेंगे हम लोग इनपुट। ठीक है, यहाँ पे सेम अभी हम लोग एक काम करेंगे वो ये कि हम लोग को जो आइकॉन चाहिए, आइकॉन के लिए मैं सिंपल ना बॉक्स आइकॉन यूज़ करूँगा, आप बूटस्ट्रैप का भी आइकॉन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स आइकॉन सर्च में किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पहले तो यूजर्स में जाएंगे, और यहाँ मेरा ब्राउज़र एकदम चलना बंद हो चुका है कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है। नीचे गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ना स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, सोर्स चाहिए उसका, सीएसएस सोर्स। तो यहाँ पे एक सीएसएस सोर्स उन्होंने दे रखा हुआ है, इसको सिंपल सा कॉपी करके ना हेड टैग के अंदर डाल देते हैं, तो कुछ इस जगह पे उसको पेस्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को आइकॉन चाहिए, आइकॉन के लिए सिंपली ना फिर से बैग जाते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे क्या क्या आइकॉन चाहिए। तो मैं बोला कि सबसे पहले मुझे तुम एक आइकॉन दो यूज़र नाम से या पीपल नाम से। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइकॉन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1500 ही आइकॉन है, देख सकते हैं, एक 1525 आइकॉन है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र करके देखते हैं, तो आपको जो आइकॉन ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी एक यूज़र सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने यूज़ किया हुआ था, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट पे क्लिक किया, आई पे क्लिक किया, देखिए कॉपी हो गया। ठीक है, सेम टू सेम आपको करना है, यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे जो है ना इनपुट में पहले इसको पेस्ट करते हैं, और एक एन कॉपी करके कॉपी, और यहाँ पे इनपुट डाल देते हैं हम लोग। इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, नेम कोई नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि नेम मैं इसलिए कभी नहीं देता क्योंकि मैं जो है सारा का सारा काम जेक्वेरी के थ्रू करता हूँ। अगर पेज अगर मुझे कोई भी काम करता है तो मैं जेक्वेरी के थ्रू करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नेम का जरूरत ही नहीं पड़ता है।
हम एक प्लेस होल्डर डालते हैं, प्लेस होल्डर रहेगा नेम, तो यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। और यहाँ अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये एकदम ऊपर नीचे से दिखने वाला है मुझे, देखिए यहाँ पे ये यह हो गया, ठीक है। फिर भी मैं क्या करूँगा, इनपुट को ना एक्सेस करके उसको फ्लेक्स कर देते हैं, डॉट इनपुट डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो वो साइड बाय साइड हो जाएगा, वैसे भी वो साइड बाय साइड है पर फिर भी मैं उसको साइड बाय साइड कर दिया, ठीक है। अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, ताकि अगर वो ऊपर ऊपर नीचे है ना तो वो सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम सेंटर, तो एकदम सेंटर में आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा एकदम ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी देखिए एकदम नीचे आ गया, ठीक है। और सेम टू सेम काम हम लोग उसके साथ भी करेंगे, ये दोनों डिव है ना, ये जो डिव है ना इसको कॉपी करके सेम टू सेम आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। डॉट फ्लेक्स का एक विड्थ रख देते हैं हम लोग, विड्थ 100%, तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से आ गया है। और डॉट फॉर्म मतलब दोनों का जो फॉर्म है ना उसका हम लोग विड्थ ना 90% ना रखें, देखिए कितना करेंगे हम लोग उसका, एक विड्थ रखेंगे 400 पिक्सल का, ताकि उसके अलावा ना वो बाहर निकले ही ना। तो इसका देखिए कुछ इस तरीके से वो आने वाला है, पर 400 ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद। एक काम करते हैं फिलहाल के लिए इसको 90% ही रहने देते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसा कर दिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा स्टाइलिंग देना है, ठीक है। तो स्टाइलिंग देने के क्या करेंगे, सिंपली पहले इनपुट को एक्सेस करिए, क्योंकि मुझे इनपुट के नीचे मतलब ये जो ये आइकॉन और ये इनपुट फील्ड है ना, ये दोनों साथ में है, ठीक है। तो साथ में देने साथ में है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसके नीचे डालना है ये वाला चीज़, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला अंडरलाइन वाला चीज़ है ना, वो डालना है। तो उसके लिए सिंपली उसको एक्सेस कर लेते हैं, डॉट इनपुट यहाँ पे पहले से एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, फिलहाल की मैं ब्लैक दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंस्पेक्ट अभी नहीं खोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखे बॉर्डर, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ देखिए वहाँ पर उसको नीचे जो है बॉर्डर सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको आप लोग पैडिंग देंगे तो वो पैडिंग से खुद भी खुद गायब हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंपली इनपुट को एक्सेस करूँगा पहले, इनपुट का सबसे पहला काम हम लोग को देना है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली हम लोग पास चूज़ है POPINS पॉपिंस, मैं करूँगा तो वो एकदम चेंज हो जाएगा। और उसका एक पैडिंग देंगे, पैडिंग कितना दे, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। और एक बॉर्डर रेडियस मैं नहीं दूंगा, ठीक है, कोई बॉर्डर रेडियस देना कोई काम ही नहीं है। और एक बॉर्डर देंगे इसका वो होगा नन, क्योंकि मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। आउटलाइन नहीं देंगे तो बोलेगा आउटलाइन क्या होता है, देखिए दोस्तों आउटलाइन क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, देखिए आप हल्का सा ब्लैक एकदम डार्क सा लग रहा है आपको, ठीक है। तो डार्क सा हटाने के लिए हम लोग आउटलाइन नन देते हैं। अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ और इस पर क्लिक करूँ देखिए कोई भी नहीं आ रहा है, और यहाँ POPP होगा पॉपिंस। तो मैं काम करता हूँ उसको ऐसे ही छोड़ के ना नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करें हम लोग, सिंपली जो इस डिव को फिर से कॉपी करिए क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो रहा है, और सिंपली इसको 4-5 बार पेस्ट कर दीजिए अपने हिसाब से। मैं थोड़ा स्पेस डाल के पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए बहुत सारा क्लोन आ जाएगा उसका नीचे, ठीक है, बहुत सारा क्लोन आ गया। तो एक काम करते हैं हम लोग का जो दूसरा वाला डिव है सब में से हटा देते हैं, बस पहला वाला छोड़ के। तो एक डिव ये हटाएंगे हम लोग, और सिंपल दूसरा वाला डिव हटाने के लिए सिंपल सा जाएंगे इस इनपुट में, इसको हटा दिए। मैंने बस कॉपी और पेस्ट किया है इस जगह पे, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए एकदम ऐसे आ गया है, ठीक है। और इसका जो विड्थ है वो सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ तो दोस्तों ये काम इसलिए नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए एकदम आधा आधा आ गया, ठीक है। आधा आधा इसलिए क्योंकि इनपुट जो है ना, इनपुट का कोई एक फिक्स्ड विड्थ रहता है, ठीक है। तो इनपुट का फिक्स्ड विड्थ हटाने के लिए सिंपली लिखिए हाई विड्थ 100%, देखिए खुद ब खुद जो है सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, एकदम सीधा एकदम पूरा चल जाएगा, देखिए। तो ये नहीं गया तो क्या करें, इनपुट को भी एक विड्थ देना होगा, वो है विड्थ 100%, विड्थ 100% दिया मैंने, देखिए यहाँ पे एकदम सही चल जाएगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो है ना एकदम ये भी एकदम साथ साथ चिपक गया, देखने में बहुत गंदा लग रहा है। उसको सही करने के लिए सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इन दोनों को आप एक क्लास दीजिए, कौन सा डॉट इनपुट है ना यहाँ पे, डॉट इनपुट जहाँ पे है ना वहाँ पे, जब मैं क्यू नाम का एक क्लास दे रहा हूँ सेम टू सेम इसको भी दे रहा हूँ डॉट क्यू, क्योंकि मैं इसका क्यू करके क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं डॉट क्यू ए यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिंपली इसका विड्थ थोड़ा छोटा कर देते हैं 45% अगर मैं कर दूँ, अगर मैं इसका विड्थ जो है 45% करूँ तो अभी देखिए एकदम थोड़ा साइड बाई साइड दिखेगा, देखिए। और यहाँ जो है बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा डिव है हम लोग का क्यू वाला, ठीक है, इस क्यू को फिर से हम लोग रिराइट करते हैं। तो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये एकदम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और सेम टू सेम अगर मैं फिर से इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ तो
तो देखिए अभी वो शायद मैंने कहीं से छोटा मोटा जो गड़बड़ कर दिया, ठीक है, मैंने डिव में कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया होगा जिसकी वजह से वो सही से पहले काम नहीं कर रहा था। अभी देखिए एकदम सही सही दिख रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम लोग का जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट को हम लोग मार्जिन दे देते हैं टॉप से ताकि वो एकदम अच्छा लगे। देखिए अभी तो थोड़ा चिपका चिपका लग रहा है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट इनपुट में करेंगे, सिंपली लिखेंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो मुझे लगेगा कि बढ़ाना पड़ेगा तो मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी वो सही लग रहा है, पर मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे इसे डॉट, अगर मैं सिर्फ इनपुट पे ना करके डॉट इनपुट पे करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो। तो डॉट इनपुट पे डाल देता है, इसमें क्या है, तो मार्जिन जाते हैं मार्जिन टॉप और यहाँ लिखते हैं 10 पिक्सल। अभी वो ऊपर नीचे आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ ये कुछ इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे छोड़ के यहाँ पे मैं और भी दो चार फील्ड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबका पहले तो ये करते चेंज कर देते हैं। तो यहाँ नेम है, यहाँ करते हैं सरनेम और यहाँ करते हैं ईमेल, फ़ोन, जो भी आपको करना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी चीज़ें डाल देना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली करते हैं फ़ोन और यहाँ पे ना एक कर देते हैं वो सर्कल, क्योंकि मुझे कोई और नाम याद नहीं आ रहा है। आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चेंज तो आप लोग कर ही लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सब में आइकॉन फिल करना है, ठीक है। पर आइकॉन फिल करने से पहले क्या करते हैं, आइकॉन का जो थोड़ा साइज उसे बढ़ा देते हैं। तो सिंपली लिखिए आई और सेम टू सेम यहाँ पे आप डालिए फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज डालेंगे 30 पिक्सल का। वैसे आप लोग ना आई का जगह पर जो है ना सिंपली आप लोग कोई SVG आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। SVG आइकॉन 25 पिक्सल डाल देते हैं तो अभी देखिए थोड़ा सा सही लगेगा, पर यहाँ 25 पिक्सल बहुत बड़ा हो गया। 20 डालते हैं तो 20 में ये सही लग रहा है अभी, ठीक है। और सबका जो आइकॉन है चेंज करना, तो आइकॉन चेंज करने के लिए सिंपली जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे ईमेल जो है ना, ईमेल ईमेल का मुझे कोई आइकॉन ही नहीं मिला, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपली कोई और अटैच वाले एक आइकॉन है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कोई भी एक आइकॉन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आइकॉन सब सही से मिल नहीं रहा है इस वेबसाइट पे। तो मैं फिलहाल के लिए यही यूज़ कर लेता हूँ, मैं तो कोई भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहें नीचे, यहाँ पे पहले वाले डिव में तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है, दूसरे वाले में करना है। तो दूसरे वाले में सिंपली आई को हटाइए यहाँ से, सिंपली जाकर पेस्ट कर देना। और यहाँ पे दूसरे के लिए मैं कोई भी ले लेता हूँ। तो ये ईमेल है, फ़ोन के लिए तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई आइकॉन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं फ़ोन, तो ये वाला आइकॉन मैं चूज़ कर लेता हूँ फॉन्ट में का, इसको क्लिक किए और सिंपल जो यहाँ पे इसको पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे नीचे क्या, अब मुझे एक और चाहिए वो ये कि यहाँ पे मुझे सर्कल, सर्कल के लिए मैं कोई भी एक सर्कल भी एक यूनिक सा मैंने क्या क्या टेक्स्ट को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई यूनिक सा मैं आइकॉन भी चूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कौन सा चूज़ करूँ, कोई भी एक चूज़ कर लेना है मुझे। तो यहाँ मैं कहीं नीचे जाता हूँ, कौन सा लूँ, कोई अच्छा सा ही लूँगा जो कि देखने में अट्रैक्टिव सा लगे। मैं काम करता हूँ ये आइकॉन ले लेता हूँ, ये आँख मारने वाला आइकॉन, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं क्यों मैं ले रहा हूँ, पर ले रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आई को सिलेक्ट करके सिंपल पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जाकर पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो सबका आइकॉन चेंज हो गया, एकदम देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब मैं काम करूँगा ये कि हम लोग का जो फॉर्म था ना उसका थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड देंगे रेड पहले। तो कहाँ गया फॉर्म का एक बैकग्राउंड देते हैं रेड, क्योंकि मुझे फॉर्म में थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। फॉर्म को बैकग्राउंड दिए रेड, हम लोग रिफ्रेश किए तो ये कुछ इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए कुछ इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, ये हम सेंटर में नहीं आया है। तो एक काम करते हैं हम लोग डॉट राइट, क्योंकि हम लोग का फॉर्म किस डिव में है, फॉर्म जो है राइट डिव में, ठीक है। तो पूरा का पूरा राइट को एक बार फिर से हम लोग फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर। तो अभी ये एकदम सेंटर में आ जाएगा, देखिए कुछ इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना फॉर्म का हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था। यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करके इसका विड्थ रखिए 400 पिक्सल का और रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आ रहा आउटपुट। तो यहाँ बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। तो उसको बड़ा करके 450 कर देते हैं, 450 भी बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं लगे, नहीं सही लग रहा है 450, ठीक है। और उसका एक मैक्स विड्थ भी दे दीजिए सेम टू सेम वही, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा बड़ा करना ही नहीं अपना फॉर्म को। तो 450 करके 450 पिक्सल डाल देंगे तो कितना भी छोटा या बड़ा होगा ना हम लोग का पेज वो उतना ही रहेगा। और उसका बैकग्राउंड आप लोग हटा सकते हैं, तो बैकग्राउंड हटाने के लिए सिंपली फॉर्म में चाहिए इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर दीजिए कुछ, उसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक बटन बना देते हैं ताकि उसको हम लोग क्लिक करके अपना इवेंट करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक बटन बनाते हैं, बटन। अब बटन में आप लोग लिख दीजिए साइन अप साइन इन, जो भी आपको मन करे। तो यहाँ पे मैं साइन अप लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका क्लास दे देते हैं, क्लास देते हैं BTN, ताकि हम लोग एक्सेस करके ना इस पर बड़ी आसानी से स्टाइलिंग डाल सकें। तो यहाँ पे सिंपली लिखिए डॉट BTN
और उसका विड्थ हाइट देने का जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। अब सिंपली लिखिए पैडिंग 10 पिक्सल और यहाँ पे लिखिए 25 पिक्सल। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन और बैकग्राउंड देंगे रेड और फॉन्ट फैमिली होगा इसका पॉपिंस, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस। और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा, पर यहाँ पे मुझे इसको एक मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन देंगे टॉप से MARGIN मार्जिन टॉप 20 पिक्सल का। तो ये जो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है, इस तरीके का कुछ दिख रहा है। अरे मुझे इसका विड्थ जो थोड़ा और चेंज करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है फॉर्म का, ठीक है। तो फॉर्म का विड्थ चेंज करके ना 400 कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये यहाँ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि यहाँ पे भी है, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ना आपको ये दिखेगा, देखिए ये जो बटन है ना, बटन पे थोड़ा आपको अलग सा कलर दिखेगा, ठीक है। तो अलग सा कलर मैंने कैसे यूज़ किया देखिए, उसके लिए सिंपली जाइए यहाँ पे लिखिए लीनियर ग्रेडियंट GRADIENT लीनियर ग्रेडियंट CSS, ठीक है। यहाँ पे सेम यहाँ पे कर दीजिए इंटर। यहाँ पे W3 स्कूल का जो वेबसाइट है उसको खोलिए और वहाँ पे थोड़ा नीचे जाइए और वहाँ पे टॉप टू बॉटम करके कलर होगा, ठीक है। जैसे कि ये कलर, इसको सिंपल सा आपको सिलेक्ट कर लेना बैकग्राउंड इमेज और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए बटन में। यहाँ पे बटन में पेस्ट किए, अब यहाँ पे मैं करूँ तो ये थोड़ा रेड और येलो करके आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेड और येलो करके आ रहा है, यहाँ पे पेज थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगे थी, ऐसा रहा, ठीक है। अभी मुझे इसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए सिंपली जाइए इंस्पेक्ट में, क्योंकि मैं सारा का सारा जो कलर है ना इंस्पेक्ट से उठाता हूँ। यहाँ पे सिंपली फॉर्म में जाइए, फॉर्म में सबसे नीचे जाइए बटन में, और बटन में जाने के बाद क्या करना है हम लोग को, वो ये कि इसका जो येल्लो वाला है उसको येल्लो को वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो रेड वाला ना, रेड को थोड़ा कलर चेंज करने के लिए येल्लो की वास वाला ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला नहीं, ये वाला आप ऐसा कोई कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लग रहा है अच्छा ये, और यहाँ पे हमने रेड को चेंज किया तो रेड के जगह पे इसको कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ एक बात बताना चाहेंगे, वो ये कि ये जो है एकदम बटन सेंटर में आ रहा है, मतलब मेरे को इसको चाहिए एकदम राइट, एकदम लेफ्ट में चिपका हुआ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल जाइए आप लोग नीचे फिर से और बटन का एक डिफ बनाइए, ठीक है। डॉट फ्लेक्स करके जो डिफ था ना, इसको कॉपी करके सिंपल से यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब मुझे डालना ये वाला, ठीक है। डोंट हैव एन अकाउंट का जगह पर सिंपल आप लोग फिर से इस फ्लेक्स को कॉपी कर लीजिए। तो मैं इसे वो कॉपी करके ना पेस्ट कर देते हैं ऊपर। यहाँ पे सिंपल एक एंकर टैग बनाना है हम लोग को, एंकर टैग। यहाँ पे इसका कोई भी हम लोग को ये नहीं डालना, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे छोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो पहले से ही साइनअप वाला सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ऑलरेडी अ मेंबर। एम को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली पेस्ट एम को, ऑलरेडी अ मेंबर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे रिफ्रेश करो तो अभी देखिए एकदम परफेक्ट लगेगा जहाँ तक मुझे चाहिए था। और उसे एक मार्जिन दे देते हैं टॉप से, तो डॉट फ्लेक्सिट यहाँ पे एक क्लास देते हैं इसको मार्जिन करके, डॉट मार्जिन दिए। यहाँ पे सिंपली मार्जिन को एक्सेस करेंगे डॉट मार्जिन करके, डॉट MARGIN मार्जिन, और यहाँ मार्जिन टॉप कितना दे, 10 पिक्सल देते हैं पहले। तो ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है, देखने में एकदम परफेक्ट लग रहा है, जैसा कि हम लोग को चाहिए था। अभी हम लोग को सिंपल से जो लेफ्ट में एक इमेज डालते हैं, लेफ्ट में इमेज डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज रख रखा हुआ है। तो ये रहा कुछ 22.jpg करके एक इमेज है, ठीक है। सेम सिंपल जाइए यहाँ पे आप लोग, और ये लेफ्ट वाले डिब में यहाँ पे सिंपली उस इमेज को ऐड कर दीजिए। मैं इसका सोर्स मैं रखता हूँ 22.jpg, और यहाँ जो उसका क्लास रखते हैं हम लोग लोगो करके, पर सॉरी लोगो नहीं रखेंगे, कोई और रखेंगे, क्योंकि मैंने लोगो को पहले ही एक्सेस कर रखा है। देखिए यहाँ पे लोगो जैसे लोगो नाम से कोई और एक इमेज मैंने रख रखा है, यहाँ पे सिंपली बीजी रखते हैं, ठीक है। और मैं ना एक काम करेंगे, वो मैं एक काम करना चाहूँगा ये कि मैंने थोड़ा यहाँ पे स्टाइलिंग थोड़ा चेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं स्टाइलिंग देखा तो मैंने किस तरीके का स्टाइलिंग यहाँ पे कर रखा हुआ है। यहाँ पे सिंपल जो मैं उसको खोल लेता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करके पेज था ओपन विथ, और मैंने जिस जगह पे जो था रखा हुआ था उसको, मतलब जिस जगह पे मैंने चेंजेस किए हुए थे उस जगह को खोल के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लेफ्ट में ना कोई इमेज अटैच नहीं किया हुआ है, इसके लिए तो मैंने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। मैंने सिंपल से जो लेफ्ट में किया हुआ है, तो मैंने लेफ्ट में ना सिंपल सा स्टाइलिंग मतलब CSS के थ्रू इमेज को ऐड किया हुआ है।
तो यहाँ पे सिंपल सा मैं लेफ्ट में जाऊँगा, डॉट लेफ्ट करके कहीं कुछ होगा, ठीक है। डॉट लेफ्ट के लिए मैंने इस तरीके से इमेज को ऐड कर रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में कॉपी करके सिंपल सा पेस्ट करता हूँ और समझाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। तो डॉट लेफ्ट को यहाँ यहीं पर एक्सेस कर लेते हैं, डॉट लेफ्ट। अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए कैसा आएगा। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इमेज बहुत बड़ा है इसलिए वो दिख नहीं रहा फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज डाला हुआ, ठीक है। एक लीनियर, साथ ही साथ मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया हुआ, ठीक है। ये लीनियर ग्रेडियंट क्या है, तो एक बेसिकली एक पिंक कलर का, हल्का पिंक कलर का एक कलर हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये हल्का हल्का पिंक सा आपको दिखेगा, देखिए आप लोग हल्का हल्का पिंक सा दिख रहा है, ठीक है। पिंक और येलो, जैसे कि ऊपर में येलो है नीचे पिंक है, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक हमने कलर डाला हुआ है और उसके बाद हमने कॉमा देके ना यूआरएल में इमेज को ऐड कर रखा है, ठीक है। अब सिंपल सा आप लोग को लिखना है ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट फिट। मैं यहाँ से देख, मैं सारा का सारा जो इमेज है ना कॉपी कर लेता हूँ। विड्थ रखना है 50%, हाइट रखना है 100%। सेम टू सेम अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ फिलहाल के लिए कुछ नहीं हुआ। अभी मैं नीचे जितना भी कोड है सब कॉपी कर लेता हूँ। बैकग्राउंड साइज कवर रिपीट, बैकग्राउंड वाइट, कलर वाइट। तो अभी देखिए, जैसे मैंने सारा का सारा कोड डाला, जैसे जैसे पेज को रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काम एकदम 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग W3 स्कूल्स पर, लिखेंगे मीडिया क्वेरी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे कोड सब याद नहीं रहता, तो मैं ज़्यादातर कोड जो है ना W3 स्कूल से हेल्प ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे मीडिया क्वेरी, QUERY मीडिया क्वेरी लिखे। यहाँ पर W3 स्कूल से पहले एक लिंक आएगा, तो देखिए मीडिया क्वेरी रूल लिखा हुआ है। आप इस थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली जो है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे मुझे दो कोड को कॉपी करना होगा, ठीक है। पहला कोड है कि इसका एक मेटा टैग होता है, जो कि ये बताता है पेज को कि हम लोग को ना ब्राउज़र को, हम लोग को जो पेज को एकदम चेंजेस भी, मतलब ब्राउज़र ये बताता है कि पेज को ना रिस्पॉन्सिव बनाता है, जो कि ये कोड है, ठीक है, मेटा टैग करके। यहाँ पे एक और आपको मिलेगा, वो ये कि ओनली मैक्स विड्थ करके, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और इसको जो ना आपको सबसे नीचे एकदम पेस्ट करना है CSS में। और यहाँ पे आपको सिंप, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब कि अगर ब्राउज़र का जो विड्थ है वो 600 या 600 से कम हो तो मुझे रूल्स को अप्लाई करना है CSS में। तो मैं बोला कि लेफ्ट है ना सेम, तुम सिंपली क्या करो, लेफ्ट को हाइड कर दो, डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है। अभी अगर मैं देखिए यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करूँ और पेज को इंस्पेक्ट करके थोड़ा छोटा करूँ, तो यहाँ देखिए मैं पेज को थोड़ा छोटा किया, ठीक है। पेज यहाँ पे 600 या 600 से कम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पेज को 600 या 600 से कम किया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, इस जगह पे नंबर लिखा हुआ रहा है टॉप पे, देखिए। अब मैं जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए जैसे 600 से ज़्यादा हुआ तो ये इमेज दिखने लगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको 600 से कम किया, इमेज जो है गायब गया, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से है। अब मैं पेज को ना थोड़ा ऊपर से भी छोटा करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो इसको ना ऐसे कर देते हैं, कम से कम उसका विड्थ जो 400 तो रखेंगे हम लोग। और एक काम करते हुए ये कि हम लोग जो फॉर्म है ना, फॉर्म का भी एक विड्थ चेंज कर देते हैं, क्योंकि फॉर्म का विड्थ जो 400 है, ठीक है। फॉर्म और इसका विड्थ रखते हैं हम लोग, कितना रखे, 300 कर देते हैं, मतलब कि मोबाइल में जो है ना थोड़ा छोटा हो जाए उसका विड्थ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे इनपुट सब का दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्राउज, सपोज कि किसी का फ़ोन जो है ना बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखने में कितना गंदा लग रहा है, ठीक है। तो उसको उसको सही करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम लोग का जो मेन बॉडी था, मेन बॉडी मतलब डॉट बॉडी वाला, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने किया था पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो उसको थोड़ा चेंज करना होगा, इसको डायरेक्ट सिंपली लिखिए। यहाँ पे आप लोग को लिखना है पोजिशन स्टैटिक, या पोजिशन स्टैटिक करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। पोजिशन स्टैटिक के कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें एक काम करिए, आप लोग उसका मार्जिन दीजिए ऑटो, मार्जिन ऑटो, और इसको टॉप से घिसकाइए, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप दीजिए 20 पिक्सल का, और हाइट रखिए इसका ऑटो। अभी रिफ्रेश करो, देखिए कुछ इस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ ये ऐसा क्यों आ रहा है, और उसका ट्रांजिशन सॉरी उसका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को करना होगा 0, मतलब ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है उसको करना होगा नन। तो ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, यहाँ पे नन लिख के देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नन, देखिए यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये एकदम सेंटर में आया। अब मैं पेज को कितना भी छोटा बड़ा कर लूँ एकदम सही दिखेगा, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से देखिए हम लोगों ने कितना आसानी से जो अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना जैसे यूज़र पे ऑलरेडी मेंबर पे क्लिक करे, ठीक है, तो आप लोग सिंपल क्या करिएगा, थोड़ा जावास्क्रिप्ट यूज़ करके ना ये पूरा का पूरा डिव है ना डॉट फॉर्म करके डिव, इसको आप लोग हाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और सेम टू सेम क्या करिएगा, यहाँ से ना इसको पूरा का पूरा जो फॉर्म वाला डिव है आपको उसको कॉपी करिएगा, उसका क्लास जो है ना फॉर्म क्लास को चेंज करके कोई और क्लास कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे वो यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा तो आप लोग इस फॉर्म को हटा के जो न्यू फॉर्म आपने बनाया होगा उसको शो करा दीजिएगा, और उस फॉर्म में भी एक बटन रख दीजिएगा कुछ इस तरीके से कि डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसे उस पर क्लिक हो तो आप लोग इसको उसको जिस पे क्लिक हो ना, तो जैसे कि उस पर क्लिक हो तो आप लोगों ने न्यू फॉर्म बनाया उसको हाइड करके इसको शो करा दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा एनिमेशन के साथ। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत आसानी से है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डेटाबेस में डेटा को डाल सकते हैं, मतलब कैसे कि साइन अप कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, एकदम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो मैं ऐसा, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।